कृष्णा, मैं कृष्णवंदना जगन्नाथ किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं स्कॉन स्टाइल चीकू हलवा। चीकू हलवा बहुत ही अपने आप में एक यूनिक है और इसका जो टेस्ट है वो भी बिल्कुल अलग आता है। तो यहाँ पर हमने 250 ग्राम चीकू लिए हैं, जिनको धो लिया है, उसका छिलका उतार लिया है और उसको अब हमें कद्दूकस करना है। कद्दूकस करने के बाद में आपको एक कढ़ाई लेनी है, उसमें एक चम्मच घी लेना है। कद्दूकस की जगह आप इसको टुकड़े करके बीज निकाल के मिक्सी में भी पीस सकते हैं। अब घी गर्म होने के बाद में हमें अपना जो पल्प है चीकू का वो इसमें ऐड करना है और लो मीडियम गैस पर लगभग 2 मिनट इसको अच्छे तरीके से भूनना है। एकदम से यूनिक हलवा है, बच्चे नहीं खाते हैं चीकू, तो आप उनको इस तरीके से खिला सकते हैं चीज़ों को चेंज कर कर के। और नवरात्र व्रत हो, एकादशी व्रत हो, आप बना सकते हैं। अब इसमें जाएगा 1 गिलास दूध, छोटा वाला जो होता है 1 कप लगभग, वो है आधा केजी चीकू में। अब हमें इसको बस लगातार चलाते रहना है जब तक दूध मावे का रूप ना ले ले। और इसमें हम थोड़ा सा मावा ऐड करेंगे, लगभग 50 ग्राम, लेकिन वो बाद में, पहले इसको हमें अच्छे तरीके से सुखाना है। इस हलवे का जो टेस्ट है वो लगभग ऐसा आता है कि जैसे हम चीकू खा रहे हों, चीकू के साथ में मावा। चीकू और मावे वाला जो फ्लेवर है वो बहुत ही एक यूनिक आता है। अब इसमें हम 50 ग्राम मावा ऐड करेंगे और इसको हमें चलाना है। इस हलवे को आप बना के रखें और जब भी मीठा खाने की क्रेविंग हो तो आप 1 चम्मच खा सकते हैं। चीकू खुद में ही उसका खुद का मिठास होता है, इसलिए केवल हम 4 चम्मच यहाँ पर चीनी ऐड करेंगे। और आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन खुद चीकू ऑलरेडी इतना मीठा होता है तो इसमें कम ही मात्रा में चीनी डालें, तभी इसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो यहाँ पर हमने 4 चम्मच चीनी ऐड कर दी है और ये वाली चम्मच है हमारी, ये इस तरीके की चम्मच आपको मार्केट में मिल जाएंगी, अंदाज़ा होता है इसे, 1 टेबल स्पून है। और इसके बाद हमें ऐड करने हैं मावा मिलाने के बाद अपने ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स आपको जो पसंद है आप वो इसमें ऐड कर दें। मैंने यहाँ पर काजू, पिस्ता और बादाम ऐड किए हैं। ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद में वापस इसको चलाना है। उसके बाद में इलायची डालनी है, 4 से 5 इलायची का पाउडर तैयार कर लें, वो डाल दें। बन गया चीकू हलवा, लगभग 7 मिनट में ये हलवा बन के तैयार हो जाता है। कोई झंझट नहीं, कुछ नहीं, और एकदम से यूनिक रेसिपी है। और इसका जो मैंने टेस्ट आपको पहले ही बताया है कि चीकू का जो होता है ओरिजिनल टेस्ट वो आएगा और आपका मावा का, तो वो चीकू एकदम से क्रीमी जो टेस्ट उसका आता है वो बहुत ही यूनिक है। आप इसको ज़रूर बनाएं। अब हम चलते हैं अपने जगन्नाथ जी को ऑफ़र करने। तो ऑफ़र करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले प्लेट में इसको हमने ठंडा किया है, ऊपर से गार्निश करेंगे। गार्निश करने के लिए हमें क्या चाहिए, ड्राई फ्रूट्स, थोड़े से बादाम चॉप किए हुए, काजू और पिस्ते की कतरन इसके ऊपर डालें। और तुलसी दल के बिना तो हम भगवान को ऑफर नहीं करते हैं, तो पहले तुलसी दल रखें, क्योंकि हम बहुत पतित हैं, हम शुद्ध नहीं हैं और भगवान हमारे हाथों से नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जब तक उसमें तुलसी दल नहीं होगा वो कोई भी चीज़ ग्रहण नहीं करते। अब आपको क्या करना है, तुलसी दल रखने के बाद में भगवान को ऑफर करने के बाद में प्रसाद रूप में सबको देना है। और रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल बटन पर क्लिक करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा हमारी जो भी नई रेसिपी हम अपलोड करेंगे, और लोगों को भी शेयर करें। जैसा खाएंगे वैसा होगा मन, इसलिए केवल कृष्ण प्रसादम लें, खुश रहें, चैंटिंग करना ना भूलें। जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।